हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रिया पवार। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि न्यू वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। सो दोस्तों, कल पोन्नियन सेल्वन भाग 1 जो है वो रिलीज हुई है थिएटर्स में, जिसका मैंने हिंदी वर्जन डब देखा। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार मूवी लगी। बट दोस्तों, ये जो मूवी है हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप चोल डायनेस्टी की स्टोरी जानते हो, आपने उनके नोवेल पढ़ा है, अगर आप हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा रुचि रखते हो तो ये मूवी आपके लिए ज़रूर है। बट दोस्तों, जो ये कहानी मुझे बहुत ही कन्फ्यूजिंग लगी, स्टोरी मुझे उतनी ज़्यादा हाईलाइटिंग और इतनी ज़्यादा बहुत ही आउटस्टैंडिंग जैसी नहीं थी, एवरेज थी। बट बाकी स्क्रीन प्ले भी इस मूवी का बहुत ही ज़्यादा स्लो जा रहा था। पहले भाग में तो ऐश्वर्या राय का इंट्रोडक्शन और ये सब कुछ ही चल रहा था, फैमिली आपसी मैटर, जिस तरह से वो भाई जो है, जिस तरह से उनमें झगड़ा होता है, जिस तरह से उनमें दरार आती है, वो दिखाया गया है। और बाकी जो है इस मूवी में सिनेमेटोग्राफी तो ज़बरदस्त है ही, बट इस गोल्डन चैप्टर को बड़े पर्दे पर मणिरत्नम जी ने जिस तरह से उतारा है वो काफ़ी मज़ा आया। VFX तो काफ़ी कमाल के थे दोस्तों, जिस तरह से फाइटिंग और एक्शन सीन्स दिखाए गए हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थे। और विक्रम जी की जो एंट्री है वो काफ़ी लाजवाब थी। मतलब सच में पब्लिक बहुत ही खुश हो रही थी। हम विक्रम जी को तो जानते ही, अगर आप उनको पर्सनली कोबरा मूवी में देखोगे तो उनका जो परफॉर्मेंस है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। बट इस मूवी में उनका जो परफॉर्मेंस है कहीं ना कहीं मुझे कम लगा। बट वेल दोस्तों, बाकी स्टोरी मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग ही लग रही है। अगर आप एक बार में इस मूवी को देखने जाए, समझ में जाए तो ये नहीं समझेगा। दो तीन बार तो ये मूवी देखनी ही पड़ेगी। बट बाकी वेल, मूवी के जो ये स्टोरी है, ये एक भाग में सब कुछ नहीं दिखाया गया है। अगले भाग के लिए भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो रखी गई हैं। तो देखते हैं पोन्नियन सेल्वन 2 में क्या क्या आएगा। फिलहाल अगर अभी तक आपने पोन्नियन सेल्वन 1 नहीं देखा है तो देखिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये मूवी आपको कैसी लगी। वेल दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।